आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर, शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। अतिक्रमण हटाने, सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला, दुकानदारों में हड़कंप। जेल वार्डर बनने को दमखम दिखा रहे कांगड़ा चंबा ऊना के युवा। वन मित्र के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू। बोर्ड ने घोषित किया टैट का परिणाम। महिलाएं मार्केट में ऐसे उतारें अपने उत्पाद। वित्तीय लाभ न मिलने से पेंशनर नाराज, मांगों को लेकर गरमाया मुद्दा। और अब खबरें विस्तार से। गगरेट कस्बे को अतिक्रमण की समस्या से मुक्त करवाने के लिए एसडीएम शशिपाल शर्मा के आदेश पर प्रशासनिक खेमे ने कमर कस ली है। आज राजस्व, पुलिस, नगर पंचायत, लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के कर्मियों पर आधारित टीम गगरेट कस्बों के सड़कों पर उतरी और अतिक्रमण कर सड़कों को संकरी गलियों में बदलने वाले दुकानदारों को सोमवार तक का अल्टीमेटम दे डाला। नगर पंचायत गगरेट के कनिष्ठ अभियंता राजीव ठाकुर ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध यह महाअभियान चलाया गया है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। सोमवार को टीम फिर दल बल के साथ सड़कों पर उतरेगी और अतिक्रमण पाने पर सामान तक जब्त कर लिया जाएगा। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। हिमाचल प्रदेश में जेल वार्डर के 77 पुरुष व 14 महिला पदों के लिए नॉर्थ जोन धर्मशाला के तहत 3 जिलों कांगड़ा, चंबा व ऊना की शारीरिक व मैदानी भर्ती प्रक्रिया के चलते शारीरिक परीक्षा करवाई गई। धर्मशाला जोन के तहत 3 जिलों से कुल 5,864 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। इसके तहत आज चंबा के 845 उम्मीदवारों को मैदानी परीक्षा के लिए पुलिस मैदान धर्मशाला में बुलाया गया है। पुलिस लाइन में डॉक्यूमेंटेशन, शारीरिक परीक्षण व मैदान में हाई जंप, लॉन्ग जंप व दौड़ की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें युवा दमखम दिखा रहे हैं। उधर लाला लाजपत राय कारागार धर्मशाला के जेल अधीक्षक विकास भटनागर ने बताया कि मैदान में पास होने पर उम्मीदवारों को अब लिखित परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित होने के बाद प्रपत्र भेजे जाएंगे। और ये कांगड़ा, चंपा, ऊना की जो भर्ती है वो धर्मशाला में की जा रही है और इसमें 4 और 5 को जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें बारिश के कारण ग्राउंड नहीं हो पाया, तो उन कैंडिडेट्स को जिनका हाइट एंड चेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन से जो क्लियर हो गए थे उनको 10 तारीख को बुलाया गया ग्राउंड के लिए। आज कौन से जिला के कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे? आज चंबा जिला के कैंडिडेट्स पहुँचे हुए हैं। ये कितने बुलाए थे सर, कितने कैंडिडेट बुलाए थे आज? चंबा जिला के टोटल 845 कैंडिडेट्स बुलाए थे, जिसमें 784 मेल्स और 61 फीमेल्स को बुलाया गया था। ये सभी पहुंच गए हैं कि कुछ इसमें एब्सेंट भी थे? इसमें एब्सेंट भी हुए हैं। अभी भी 5 बजे तक कोई आएगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए अभी टोटल एब्सेंटीज का ब्यूरो नहीं दे सकते। अगले कल कौन से जिला के कैंडिडेट आएंगे?
कल जो है वो ऊना के कैंडिडेट्स ने आना है। ऑर्डर्स की 77 मेल्स और 14 फीमेल्स की पोस्ट के लिए भर्ती चल रही है, जिसमें ऑल ओवर स्टेट को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, साउथर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, और ये पहले की 2 जोन्स जो हैं वो उसकी भर्ती हो चुकी है, मतलब अभी उसका जो है ग्राउंड टेस्ट की लेवल तक का हो चुका है, और अब जो है हमारी साउथर्न जोन की भर्ती चली हुई है। तो 12,795 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इसके लिए, और मैं कांगड़ा ज़िला की बात करूं तो कांगड़ा ज़िला से टोटल अप्लाई, एक मिनट, 30 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। चंबा ज़िला से 845 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। ऊना से 6 तारीख की जो हुई थी उसमें 188 ने क्वालिफाई किया है ग्राउंड को, और 7 तारीख में 200 ने क्वालिफाई किया है। तो 6 तारीख को 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 484 प्रेजेंट हुए थे, 516 एब्सेंट रहे थे, और जिसमें से सिर्फ 188 क्वालिफाई किए थे। 7 तारीख को 1214 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 577 प्रेजेंट हुए थे, 637 एब्सेंट रहे थे, और 200 ने क्वालिफाई किया था। वन मंडल हमीरपुर के अंतर्गत वन रेंज हमीरपुर, अघार, बड़सर, बिझड़ी और नादौन में वन मित्रों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। फिजिकल टेस्ट सुबह 7 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उप अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि वन रेंज हमीरपुर और अघार की शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के परिसर में हो रही है। बड़सर एवं बिझड़ी रेंज की परीक्षा ITI बनी और नादौन रेंज की परीक्षा अमतर क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। युवाओं में वन मित्र भर्ती के लिए काफी उत्साह देखा गया, युवा फिजिकल टेस्ट देने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। तो आप वन मित्र भर्ती में आए हैं, क्या कहेंगे, भर्ती के लिए कितनी तैयारी की थी? सर, जिसमें मैंने 3 प्लेयर रखी हैं, पुलिस में मैंने एक बार ट्राई मैंने क्लियर किया है, बट 2 बार मेडिकल में रह चुका हूँ, और सर इसमें तो इतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, बट है तो कोशिश करें आगे एक बार ट्राई करें, हो या नहीं हो, लेकिन आपको मतलब कॉम्पिटिशन में उतरना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अंकिता शर्मा, सर 3-4 महीने पहले प्रैक्टिस की, फिर यहाँ आके अब ग्राउंड गए तो स्टार्टिंग में गिर गई मैं, फिर उसके बाद दौड़ना नहीं छोड़ा, 3rd नंबर पे आ गई मैं। सर प्रैक्टिस करो और करो, बनो कुछ अपने दम पे। मेरे को प्रैक्टिस करते हुए साथ में मैं खो खो की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसके साथ साथ मैं रनिंग की भी प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरे को दौड़ के बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, और ये बहुत मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने सड़क में मतलब रनिंग की, और बहुत सही, एक लड़की तो गिर भी गई थी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से रनिंग वगैरह की, और एक मतलब 5 मिनट में रनिंग मतलब क्लियर कर दी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम 3 जगहों पर वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं, हमीरपुर और अघार रेंज की जो है यहाँ सेंट्रल स्कूल हमीरपुर के पास हो रही है, बिजड़ी और जो बड़सर रेंज है उनकी ITI बनी के पास हो रही है बड़सर में, और नदौन के अमतर ग्राउंड के पास हो रही है, अमतर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास से हो रही है। हेलो, आज मतलब कुल 70 बीते हैं हमारी यहाँ पे हमीरपुर में, तो 70 पद हैं, और आज सभी की जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट है वो 8 तारीख को पूरे हमीरपुर डिवीजन का कम्प्लीट किया जाएगा, तो शाम तक देखते हैं कमेटी की तरफ जिसका नाम अगर सर बात जो आवेदन था वो लगभग 2650 लोगों ने किया हुआ है, 2648 या कुछ ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने आवेदन किया हुआ है, और उसमें से कुछ जो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहे थे वो शायद नहीं आए हैं इसमें, और शाम तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने लोग क्वालिफाई। सर पुरुषों महिलाओं के लिए तो 1500 मीटर की रेस है जो कि 10 मिनट में पूरी करनी है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की है, 5000 मीटर की, जो कि आधे घंटे में पूरी करनी है उनको, और ये क्वालिफाइंग नेचर की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टेट नवंबर 2023 की परीक्षा प्रदेश भर में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम आज बोर्ड सचिव मेजर विशाल शर्मा ने घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर टेट नवंबर 2023 लिंक पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर एवं जन्मतिथि डालकर अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पिछले परिणाम की अपेक्षा इस बार का परिणाम बेहतर रहा है। नवंबर 2023 में जो हमने टेट कंडक्ट किया तो उसका रिजल्ट जो है आज हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो टोटल जो हमारा रिजल्ट रहा है ओवरऑल वो 26.1% रहा है, जबकि जो इससे पहले जून में एग्ज़ाम करवाया गया था उसमें जो पास परसेंटेज है वो 11% रही थी। तो इस बार बेहतर रिजल्ट आया है। अगर हम स्ट्रीम वाइज बात करें तो JBT DLED का जो रिजल्ट है वो 32.8% रहा और शास्त्री का 45.14%, TGT नॉन मेडिकल का 7.28%, लैंग्वेज टीचर का 11.81%, TGT मेडिकल का 28.61%, TGT आर्ट्स का 31.89%, पंजाबी का 23.88% और उर्दू में 8 कैंडिडेट अपेयर हुए थे उसमें से कोई भी पास नहीं हो पाए। तो किस तरह से देख रहे हैं सर ये जो परिणाम अभी आया है कि कितना सुधार है और भविष्य के लिए क्या कुछ प्रयास होंगे? देखिए अगर आप इसको जून वाले एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो 11% जून में था और 26% अभी है, तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हुआ है पिछली बार से। हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो फॉर्मेट है हमारे एग्ज़ाम का और जो इशूड गाइडलाइंस है फॉर्मेट उसी के हिसाब से हो और एग्ज़ाम इस तरीके का होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड के टीचर्स हैं वो इसमें एग्ज़ाम में पास हों ताकि आगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये सीधा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिराया जाए। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड हम अच्छा ही रखते हैं लेकिन इस बार लगता है कि कैंडिडेट्स ने काफ़ी मेहनत की है तो इसलिए पास परसेंटेज जो है वो 11% से बढ़ के 26% पहुँच गई। खंड विकास अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में आज विभिन्न स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। जिला उद्योग विभाग तथा BDO ऑफिस के माध्यम से यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा महिलाओं को अपने उत्पाद मार्केट में उतारने के तरीके बताए गए। इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि वे मार्केट में एक अच्छा स्पेस देख कर अपने प्रोडक्ट वहाँ प्रदर्शित करें। प्रोजेक्टर के माध्यम से महिलाओं को हर एक तरीके से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि प्रोडक्ट को अच्छे से तैयार करने के बाद मार्केट में उसकी डिमांड को अवश्य देखें। यानी कि आपको क्या बनना है, एक उद्यमी बनना है, ठीक है। जब आपने कोई अपना उद्यम शुरू करना है तो अब कंसेप्ट आपके दिमाग में है, अब उस कंसेप्ट से आपने उसको एग्जीक्यूशन पे ले जाना है। प्लान है आपके पास, दिमाग में है सब चीजें, है ना। तो वहां से जब आप उसको एग्जीक्यूशन पे लेकर के चलेंगे तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई मार्केट गैप, कि आपको मार्केट में वो गैप ढूंढना है, यानी कि आपकी डिमांड ज्यादा हो। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ 10 चीजें हैं और आप उनको सभी को देना चाहते हैं, आप सभी लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं उसका मनमर्जी का दाम आपसे मांग सकता हूँ, मनमर्जी का मीन ज्यादा दाम में मांग सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 100 हैं और आप 50 हैं यहाँ पर, फिर हिमांचल पेंशनर्स संघ की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों एवं पेंशन संशोधन के आर्थिक लाभों का वर्षों से सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने पर गंभीरता से विचार किया गया। पदाधिकारियों का मत था कि सरकार खजाना खाली होने के बहाने कब तक पेंशनरों का शोषण करती रहेगी। पूर्व में भी सरकारें ऋण ले लेकर ही प्रदेश में कामकाज चलाती आई हैं और समय समय पर कर्मचारियों व पेंशनरों को किसी न किसी पर्व पर उनके देय हक जारी होते ही रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों पेंशनरों के देय आर्थिक लाभों पर चुप्पी ही साध रखी है।